Yeah, good morning, everybody. Good morning, sir. We're on not for profit. Or kahan tak ho gaya tumhara kal tak? It was I think our expenses, subscription and donation ka humne accounting complete kar liya tha. Aur donation ka ek problem maine kaafi detail mein likh ke diya tha aapko, that how it is to be recorded, hai na? To ek baar jis hum donation ka accounting ek baar hum log revise kar lenge. Donation jo hai, it is one of the cash inflow source for the any NPO. ये जो डोनेशन होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? There are basically two types of donation. One is general donation, one is specific donation. तो general donation जो होता है, it is for any purpose of that NPO. उस organisation के trust के किसी भी काम में पैसा आ जाए, इसको डोनर को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस वो उसने डोनेट कर दिया without any restriction. So that is called the general donation. And इसका प्रेजेंटेशन कहाँ पर होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में आएगा, नो डाउट वो एज रिसीट करके रिसीट में जरूर आएगा, बट दिस विल बी शोन एज एन इनकम, उसको रेवेन्यू इनकम ट्रीट किया जाएगा एंड दिस विल अपीयर योर इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट. और जो सेकेंड डोनेशन होता है, इट इज स्पेसिफिक डोनेशन. स्पेसिफिक डोनेशन मतलब दैट डोनेशन इज रिसीव विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपको डोनेशन मिला है, तो वो जो डोनेशन है दैट इज टू बी यूज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज. अब वो डोनेशन में से दो टाइप के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आइदर इट इज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्पज और इट कैन बी फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्पज या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर्पज किसी के भी लिए रहे, तो बेसिकली मिला तो पहले रिसीट में आएगा एंड सेकेंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में दैट पर्टिकुलर डोनेशन फंड के नाम से वो क्रेडिट किया जाए, लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, ठीक है. अब अगर वो डोनेशन आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगर मिला है और अगर आप उसमें से एक्चुअल में कैपिटल एक्सपेंडिचर पेड करते हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट योर फिक्स असेट, वो तो आपके बैलेंस शीट असेट में आएगा, ठीक है. एंड दैट मच अमाउंट, जितना फंड आपने यूज कर लिया फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज रिसीव्ड, दैट मच अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट स्पेसिफिक फंड टू कैपिटल फंड को ट्रांसफर करना पड़ता है. दिस इज फॉर योर इफ दैट फंड इज रिसीव्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्पस, ठीक है. और अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद भी अगर आपके पास कुछ पैसे रह जाते हैं, जैसे मैंने कल देखा था कि दैट इज 10 लाख इज रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, आउट ऑफ दैट 6 लाख इज पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, 4 लाख का बैलेंस रहा. अब इसका हमें इमीडिएट यूज तो कुछ है नहीं, मे बी 2-4-5 साल के बाद ही हमको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है. अब वो 4 लाख का बैलेंस तो रहा आपके पास, लेकिन वो किसी काम में भी नहीं आएगा. सो फॉर द टाइम बिंग हम लोग उसको FD कर देते, कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते. सो मेकिंग इन्वेस्टमेंट रिसीट पेमेंट के पेमेंट में आएगा एंड दैट इन्वेस्टमेंट विल अपीयर इन योर बैलेंस शीट असेट साइड. सो वो जो इन्वेस्टमेंट है, so for making the investment please don't transfer the amount from specific fund to capital fund, kyunki investment karna matlab it is not the utilization of fund, it is simply parking of fund, humne for the time being wo kahin na kahin temporary investment karke rakhi hai. So fund specific fund se capital fund ko is case mein transfer nahi hoga. fir wo jo specific investment se jo fund investment aapne kiye hai uske upar jo interest aapko milega, that interest receipt mein to zarur aayega and the second it will be added in your that फंड बैलेंस शीट लाइबिलिटीज फंड में वो ऐड किया जाएगा. ध्यान रखना ये इंटरेस्ट आपके इनकम को क्रेडिट नहीं करेंगे. दिस इज व्हाट विद रिस्पेक्ट टू दैट डोनेशन रिसीव फॉर द स्पेसिफिक पर्पज. देन स्पेसिफिक पर्पज एंड दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए. अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पज का आपको मिला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, तो नो डाउट इट विल अपीयर बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड. अगेन उस फंड के अगेंस्ट अगर हम एक्सपेंडिचर करेंगे, तो वो एक्सपेंडिचर आप डायरेक्टली फंड से लेस कर देंगे. प्राइस फंड का मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, वी रिसीव 40,000 फॉर दैट प्राइस फंड, प्राइजेस के लिए हमको मिला एंड दैट फ्रॉम दैट फंड वी मेड अ परचेस ऑफ प्राइजेस फॉर आर कॉम्पिटिटर्स. सो जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ट्रॉफीज वगैरह देने के लिए हमने प्राइजेस परचेस किए. सो वो जो प्राइजेस आपने के लिए पैसे दिए वो तो पेमेंट में जाएगा एंड दैट अमाउंट इज टू बी स्ट्रेट वे डिडक्टेड फ्रॉम योर फंड. गॉट इट? उसमें से मैंने आपको एक बात भी कही थी, लेट से यू रिसीव फंड ₹20,000 एंड इफ यू स्पेंड ₹25,000, मतलब जितने पैसे मिले उससे ज्यादा खर्च हो गए, 20,000 मिले 25,000 स्पेंड हो गए, तो एक्सेस 5,000 जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर को डेबिट किया जाएगा. इज दिस क्लियर? ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है. और इसके बेसिस पर मैंने आपको एक प्रॉब्लम होमवर्क में दिया था, इट वॉज नंबर 10. आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा. एक बार मैं देख लेता हूँ इसके अंदर क्या था.
Kumbhakonam button, medicines karam. Following is the show the following information as it would appear in receipt payment income expenditure for the year ended 31/3/10 and balance sheet 31/3/10. Uske aage ka in the balance sheet 31/3/9 humne cancel kiya tha. Number 1 donation received for building 5 lakh, then building constructed during the year 3 lakh, remaining donation invested in 10% government security as on 1st September 9 and interest received on above rupees 5000. So how this will appear in your receipt payment, income expenditure and balance sheet? It was the question. So here, look, banate isko. So that very first, donation received rupees 5 lakh, so subsidy aapke receipt mein aa gaya, this is to building fund 5 lakh, iska second effect balance sheet liability mein, building fund 5 lakh, then from this building constructed during the year 3 lakh, building ke liye apne 3 lakh spend kiya, matlab payment mein kya aapka buy building 3 lakh aur ye building balance sheet mein aayega 3 lakh. Now ye jo 3 lakh ki building apne purchase ki, construct ki, to uske liye building fund ka paisa mila tha. So out of this 5 lakh, you use 3 lakh. Matlab ka fund kam ho gaya. So from the building fund, you will transfer 3 lakh to your capital fund. So here, your capital fund, opening balance, hame nahi pata. So yahan se transfer hoga. So add transfer from building fund 3 lakh or building fund se less ho jayega. Transfer to capital fund 3 lakh. Simple tha, isme koi ye nahi hai. Then remaining donation invested in 10% government security. Ab remaining donation kitna raha hamare paas? 2 lakh. So this is sabse zyada apne investment kar di. So this is by building fund investment account 2 lakh. Ab yahan keh sakte ho at least 10% government security. So here balance sheet mein aayegi aapki building fund investment rupees 2 lakh. 2 lakh. Then interest received on above is 5000. So aapke receipt mein aayega to interest on building fund investment 5000. Aur interest kahan jayega iske pe? Building fund mein add kiya jayega. So in your building fund add interest 5000. Mujhe pata hai yahan tak aapne zarur kiya hai, theek hai? Simple wala tha, kal humne kafi details ke upar discussion kiya tha. Now ab isme important baat ye hai ki this is 10% government security of rupees 2 lakh made on 1st September 2009. Now made on 1st September 2009, so 1st September 2009 aur year end aapka 31st March 2010. So 1st September se leke 31st March, there are 7 months. So 7 months ka interest kitna aayega sabse pehle? 7 months interest is 11,667. Ye wala interest milna chahiye total. Halanki mera kitna humko sirf 5000, matlab still due is 6667. And now, वो मिला है क्या आपको? नहीं, it is receivable. Now the question is that ये जो 6667 है, बस इतना एक ही point इसके अंदर important है. इसका presentation कैसे होगा? 6667 समझा ना कैसा है? It is your interest for 1st September to 31st March
दो लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है, ऑन दैट 10% से 7 मंथ्स का इंटरेस्ट 11,667 लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000, देयरफॉर इंटरेस्ट ड्यू इज 6,667। और बस ये एक ही इंपॉर्टेंट इशू है इस प्रॉब्लम का, बताइए इसको क्या कैसे करेंगे आप और कैसे किया। बैलेंस शीट असेट में दिखा दिया आपने इसको, वेरी गुड। बैलेंस शीट असेट में आपने दिखा दिया एज इंटरेस्ट ड्यू और रिसीवेबल, तो क्या कर दिया 6,667 आई मीन आउटर में इन्वेस्टमेंट में ऐड क्या किया, आउटर में ले लिया डायरेक्टली, ठीक है 6,667। अच्छा, और दूसरा इफेक्ट कहां पर इनकम में आएगा, हियर बाय क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना 6,667 इज इट। सर ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि ये कोई मेरा रेवेन्यू इनकम थोड़ी है, ये जो 6,667 है ये कौन सी इन्वेस्टमेंट पर है, बिल्डिंग फंड है, और बिल्डिंग फंड के जो पैसे से इन्वेस्टमेंट की है उसका इंटरेस्ट किस में जाएगा, बिल्डिंग फंड को जाएगा। अरे भाई जब मिला तब आपने क्या किया 5,000 बिल्डिंग फंड में ऐड किया ना, तो अभी रिसीवर भी तो बिल्डिंग फंड में ऐड होगा। ये यहां पर क्रेडिट सिर्फ गलती से आप कर सकते, मुझे पता है सिर्फ ये एक ही पॉइंट है जहां पर आप शायद गलती करेंगे। ये जो देखिए ये आपका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका रेगुलर अगर ये नॉर्मल इंटरेस्ट होता ना आपका, मतलब बगैर बिल्डिंग फंड के पैसे अगर आपने जनरल पैसे अगर आपने यूज किए होते ट्रस्ट के और उसमें से अगर इंटरेस्ट ड्यू है तो फिर आपका ये कहना बिल्कुल सही है, क्यों इनकम इसमें जो क्रेडिट होगा, बट दिस इंटरेस्ट ड्यू इज ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, दिस इंटरेस्ट ड्यू ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट ड्यू है, इसलिए ये इंटरेस्ट जो होगा या आपके इनकम एक्सपेंस जो क्रेडिट नहीं होगा वो आपके बिल्डिंग फंड को क्रेडिट होगा। आर गेटिंग हियर? सो कुल मिलाकर देखिए इसकी इंटरेस्ट ड्यू वाले की लिखिए मत आप लोग, इसकी एंट्रीज क्या होती है समझिए पहले। मैं जो बोलो ना यहां पर ऐड करना वहां से ये करना, इसका बेसिक लॉजिक क्या है ना, वेरी फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू एंट्री क्या होगी हमारी, इट इज इंटरेस्ट हमारा इनकम है, वो चाहे फंड का हो चाहे जनरल पैसों का हो, है तो हमारा इनकम है इसलिए उसको तो आएगा क्रेडिट, एंट्री होगी। और दैट इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, इंटरेस्ट हमारा रिसीवेबल है, इंटरेस्ट इज ड्यू, मिला तो नहीं है, मिला होता तो हम बैंक को डेबिट करते थे, मिला नहीं है, इट इज रिसीवेबल, तो डेबिट किसको आएगा फिर, इंटरेस्ट रिसीवेबल को डेबिट आएगा या फिर इंटरेस्ट ड्यू को आएगा या फिर एक्रूड इंटरेस्ट को आएगा, ठीक है। सो हियर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट 6,667, जो ऑलरेडी 5,000 मिला उसका नहीं बात करो, मैं जो ड्यू है सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, 6,667 इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इंटरेस्ट को मैं क्रेडिट करूंगा ना, इंटरेस्ट इज माय इनकम, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट होगा, और इंटरेस्ट कौन सा है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, सो दैट इज क्रेडिट जो जाएगा वो इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट जाएगा, एंड देन दिस इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है ये हमको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर कहां होगा, इसकी ट्रांसफर एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड अकाउंट, टू बिल्डिंग फंड अकाउंट, गॉट इट। इसका मतलब इंटरेस्ट को ड्यू हुआ डेबिट, इंटरेस्ट ड्यू डेबिट, ये कैंसिल हुआ कब तक, इट इज ओनली डेबिट, इट इज हैविंग अ बैलेंस, so being a debit it will appear in your balance sheet asset side, for the presentation purpose aap isko building fund investment mein add karke le le to bhi chalega, kyunki us building fund jo investment hai usse related wo interest due hai, so aap isko inner mein add karke outer mein dikha de 2,06,667 still perfectly all right, no issues, theek hai aap isko add karke dikha sakte hain, outer mein dikha sakte hain, better presentation aap usko add karke dikhayenge, and second इंटरेस्ट को क्रेडिट किया, इंटरेस्ट को डेबिट हो गया, इंटरेस्ट गया आपका और ये कहां ट्रांसफर हो गया, बिल्डिंग फंड को क्रेडिट हुआ, बिल्डिंग फंड को ओरिजिनली क्रेडिट बैलेंस है ये और क्रेडिट हुआ, इसीलिए बिल्डिंग फंड को ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन इधर
70% दिखता है. सो इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट आप ब्रैकेट में कर सकते हैं ड्यू 6667 और फिर आपका बिल्डिंग फंड आएगा आउटर. इज दिस क्लियर? सिंपल सा एक करेक्शन मैं आपको बता दूं, जिन्होंने गलत किया है, ये जो आपने इनकम को क्रिएट करके रखा वो इनकम को क्रिएट करने बजाय आपको बिल्डिंग फंड को क्रिएट करना है, उसको बिल्डिंग फंड में ऐड करना है. इज दिस क्लियर? यस, कर लीजिए. और कितना है फिर आउटर में? आई थिंक 2,11,667. या प्लीज डू इट. सो कुल मिलाकर फिर इनकम मैक्स में पूरा का पूरा प्लान कर गया, उसमें कुछ भी नहीं आया. वेरी गुड. बस ये एक ही इशू है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी का हमने जितना भी वो ऑलरेडी हमने पिछले प्रॉब्लम में काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. देन और एक कौन सा था नंबर होमवर्क में? नंबर 15 and 7. ठीक है, 7 चेक करना मतलब इंसल्ट होगा आपका, तो पहले 15 कर लेते फिर देखते हैं आगे. हो गया सबका?